हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आर्म रीजन के मसल्स, एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के। एंटीरियर कंपार्टमेंट में बाइसेप ब्रैकी, इसके जो तो टू हेड होते हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड, इन बिटवीन द शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच में। नेक्स्ट है ओरिजिन, लॉन्ग हेड सुपरा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला का जो सुपरा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल है, वहाँ से इसका ओरिजिन होगा लॉन्ग हेड का। और शॉर्ट हेड का कोरोकाइट प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला का जो कोरोकाइट प्रोसेस है, वहाँ से उसका ओरिजिन होगा शॉर्ट हेड का। देन है इंसर्शन, इंसर्शन कहाँ होगा उसका? तो रेडियल ट्यूबरसिटी ऑफ रेडियल बोन। नेक्स्ट है एक्शन, फ्लेक्शन ऑफ द आर्म। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व C6C2। नेक्स्ट है ट्राइसेप्स मसल्स, लार्ज मसल्स होता है, इसके भी जो तो थ्री हेड होते हैं। नेक्स्ट है ओरिजिन, लॉन्ग हेड का ओरिजिन कहाँ से होगा? इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला का जो इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल है, वहाँ से इसका ओरिजिन होगा। और मिडिल हेड का कहाँ से होगा? तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमेरस, इन्फीरियर टू रेडियल ग्रू, जो ह्यूमेरस का रेडियल ग्रू है, वहाँ से इसका मिडिल हेड का ओरिजिन होगा। देन है नेक्स्ट लेटरल हेड, इसका कहाँ से होगा ओरिजिन? तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमेरस सुपीरियर टू रेडियल ग्रू, पोस्टीरियर सरफेस है ह्यूमेरस की, इसका वहाँ से ओरिजिन होगा लेटरल हेड का। नेक्स्ट है इंसर्शन, इंसर्शन कहाँ होगा इसका? ओलेक्रॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, तीनों मसल का जो है तो इंसर्शन एक ही जगह पर होगा, ओलेक्रॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना पर। नेक्स्ट है एक्शन, एल्बो जॉइंट एक्सटेंशन ऑफ द फोरआर्म, शोल्डर जॉइंट एक्सटेंशन एंड एडक्शन ऑफ द आर्म। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई, रेडियल नर्व C6 C8। नेक्स्ट है डेल्टॉइड मसल्स, मीन्स ये ट्रायंगुलर शेप मसल्स होता है, ये एक वाइड ओरिजिन मसल्स है और नैरो इंसर्शन है इसका। नेक्स्ट है ओरिजिन, क्लेविकल लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से इसका ओरिजिन होगा, लेटरल पार्ट का इसका, सुपीरियर पार्ट ऑफ द एक्रोमेन से इसका ओरिजिन होगा, पोस्टीरियर स्पाइन ऑफ स्कैपुला से इसका ओरिजिन होगा। नेक्स्ट है इंसर्शन, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस। नेक्स्ट है एक्शन, क्लेविकुलर पार्ट फ्लेक्शन ऑफ आर्म, एक्रोमेल पार्ट जो है तो एबडक्शन ऑफ द आर्म, स्पाइनल पार्ट एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द आर्म। नर्व सप्लाई, एक्सिलरी नर्व C5 और C6। नेक्स्ट है अप्लाइड एनाटॉमी, डेल्टॉइड मसल्स गिव द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। नेक्स्ट मसल्स है सब स्कैपुलरी मसल्स, इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप, ये भी जो तो ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? सब स्कैपुलर फोसा ऑफ मिडियल 2/3, सब स्कैपुलर फोसा जो है तो वहाँ से उसका ओरिजिन होगा। इंसर्शन इसका लेजर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस, इसका भी जो है तो लेजर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस पर होगा। देन नर्व सप्लाई, अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व C5 और C6। का एक्शन क्या रहेगा? रोटेट ऑफ आर्म और इनर साइड ऑफ रोटेट। नेक्स्ट है ट्रेपीजियस मसल्स, ये डायमंड शेप का होता है, इसका ओरिजिन अपर पार्ट का ओरिजिन ऑक्सीपिटल बोन सुपीरियर न्यूकल लाइन से होगा, मिडल फाइबर का न्यूकल लिगामेंट अटैच टू स्पाइनस प्रोसेस C1 C5, सुपरा स्पाइनस लिगामेंट ऑफ वर्टिब्रा C7 और T3 से होगा। लोअर फाइबर का कहाँ से होगा? ऑल थोरेसिक वर्टिब्रा, जितनी भी थोरेसिक वर्टिब्रा है, वहाँ से इसका लोअर फाइबर का ओरिजिन होगा। इन शॉर्ट ऑक्सीपिटल रीजन, सर्वाइकल वर्टिब्रा और थोरेसिक वर्टिब्रा से इसका ओरिजिन होगा। नेक्स्ट है इंसर्शन, अपर फाइबर का लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से होगा और मिडल फाइबर का मिडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमेन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से होगा, जो स्कैपुला का एक्रोमेन प्रोसेस का वहाँ से होगा मिडल फाइबर का, और अपर फाइबर का क्लेविकल का जो लेटरल पार्ट है 1/3, वहाँ से इसका वहाँ पर इंसर्शन होगा। नेक्स्ट है लोअर फाइबर, लोअर फाइबर का इंसर्शन स्पाइन ऑफ स्कैपुला पर होगा। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई, एसेसरी नर्व्स मोटर C3 C4 सेंसरी। नेक्स्ट है एक्शन, अपर पार्ट एलिवेटेड एंड
अपवर्ड रोटेट ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला को जो है तो एलिवेटेड कराएंगे अपर फाइबर, मिडल फाइबर रिट्रैक्ट द स्कैपुला, लोअर फाइबर डिप्रेस द स्कैपुला, स्कैपुला को जो है तो डिप्रेस कराएंगे। नेक्स्ट मसल से लेटिसमस डोर्सी, लेटिसमस मीन्स ब्रॉड और डोर्सी मीन्स बैक, ए ब्रॉड मसल्स ऑफ द बैक एंड लार्जेस्ट मसल्स इन अपर बॉडी, ये लार्ज मसल्स है अपर बॉडी का, और लैट्स भी कहते हैं इसको, स्पेशली अमंग बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर इसको यूज करते हैं लैट्स के नाम से, यानी पावरफुल मसल्स होता है। नेक्स्ट है ओरिजिन, वर्टिब्रल पार्ट T7 T12, स्कैपुलर पार्ट इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, इलियक क्रेस्ट, देन रिब्स 9 और 12 रिब्स, एक स्कैपुला के पास से इसका ओरिजिन होगा और एक रिब्स के पास से और एक इलियम बोन्स के पास से, और वर्टिब्रा थोरेसिक वर्टिब्रा 7 और थोरेसिक वर्टिब्रा 12। देन नेक्स्ट है इंसर्शन, इंसर्शन जो है तो इसका इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस ऑफ ह्यूमरस, इसका जो इंसर्शन ह्यूमरस के ऊपर होगा। देन नेक्स्ट है एक्शन, तो शोल्डर जॉइंट, इंटरनल रोटेशन ऑफ आर्म, आर्म एडक्शन, आर्म एक्सटेंशन, रिस्पिरेशन के, कफिंग और स्नीजिंग में इसका रोल रहेगा। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई, थोरैको डोर्सल नर्व्स C6 C7 और C8। नेक्स्ट है स्नफ बॉक्स, डोर्सल साइड ऑफ रिस प्रेजेंट होता है, थीज ऑफ ट्रायंगुलर बॉक्स, फास्ट यूज टू होल्ड स्नफ ग्राउंड तंबाकू, इसको तंबाकू रखने के लिए पहले यूज किया जाता था। नेक्स्ट है बॉर्डर, अल्ना मिडियल बॉर्डर, टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, और रेडियल लेटरल बॉर्डर, तो टेंडन ऑफ द एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। नेक्स्ट है इसका फ्लोर, इसका फ्लोर कौन बनाएगा, तो स्केफाइड बोन एंड ट्रेपीजियम बोन, इसका फ्लोर जो है तो फर्श, स्केफाइड बोन एंड ट्रेपीजियम। देखो मिडियल बॉर्डर जो है तो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस बनाएगा, और लेटरल बॉर्डर जो है तो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस विथ एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस बनाएगा। नेक्स्ट है रूफ, इसका जो तो छत कौन बनाएगा, तो स्किन, सुपरफेशियल फेशिया, सिफेलिक वेन और सुपर फेशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, तो इसका रूफ कौन बनाएगा, स्किन और सुपरफेशियल फेशिया में जो तो सिफेलिक वेन और सुपरफेशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। नेक्स्ट है कंटेन, फर्स्ट है रेडियल आर्टरी, सेकंड है सुपरफेशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, थर्ड है सिफेलिक वेन, फोर्थ है स्केफाइड फ्रैक्चर हो सकता है, और फिफ्थ है पल्सेशन ऑफ रेडियल आर्टरी।